दो चीजें फरिया, एक तो ये कि बिलावल साहब तो कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि मैंने नहीं बैठना गवर्नमेंट में, और टीएमएलएन के साथ जरदारी साहब मान जाए एक अलग बात है, मुझे नहीं उस चीज का पता, लेकिन ही सीम्ड साउंडेड लाइक ही मेंट बिजनेस राइट, नहीं बैठेंगे। अगर हम इसको थोड़ा सा लार्जर पिक्चर में देख लें, अभी तो ज्यादा जोर तोड़ मूविंग फॉरवर्ड की बात हो रही है, लेकिन लेट्स हैव अ लुक बैक कि ये रिजल्ट्स जो आए ये रिफ्लेक्ट क्या कर रहे हैं, पीएमएलएन ने क्या प्रोजेक्ट किया था, क्या सोचा था। आप कह रहे हैं 15 सीटें उनकी कम, लेकिन वो इस वक्त एक ऐसी जगह पे खड़े हुए हैं जहाँ हर कोई क्वेश्चन कर रहा है, हर कोई, जो कि उनका सपोर्टर भी समझा जाता है, उनका वोटर भी समझा जाता है, उनको पसंद भी करता है कि 60+ जबकि रिजल्ट्स आ रहे हैं नंबर पर, आपने किस तरीके से ये स्पीच की, विक्ट्री स्पीच थी या आप रीच आउट कर रहे थे दूसरी जमातों को, टू अर्ली थी। तीन मेन मैथमेटिशियंस हैं, पाइथागोरस, हाइपर्शिया, जॉर्ज कार्टन, उसके बाद एक चौथे मैथमेटिशियन अभी नवाज शरीफ साहब निकले हैं जिन्होंने एक ऐसा मैथ किया है जिसमें लार्जेस्ट सिंगल पार्टी की डेफिनेशन ही तब्दील हो गई। और लार्जेस्ट सिंगल पार्टी जी कौन सी निकली है, अब मैंने कल भी कहा था ये अकबर के हाथी खड़ा है मगर हाथी किसी को नजर ही नहीं आ रहा, किसी ने देखना नहीं वो भाई। वो आप कह रहे हैं आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इसलिए है क्योंकि बोर्ड में जो 90+ का नंबर है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब सारे ये बात कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं और हम मान लें, भाई वो नहीं है इंडिपेंडेंट, वो एक पार्टी के बैक कैंडिडेट्स हैं जो एक कंट्रोवर्शियल फैसले में अपना बल्ला खो चुके हैं, अपना सिंबल खो चुके हैं। सो पहले तो ये तस्लीम ही नहीं किया जा रहा है इस इलेक्शन में कि इसकी विक्ट्री हुई किसकी है, वो उस जमात की हुई है जिसको इन तमाम लोगों ने मिलकर, अभी डॉक्टर साहब ने बताया जिसकी वजह से PDM-1 एग्जिस्टेंस में आई थी, वो एक हवा था जिसके डर से उन्होंने PDM-1 बनाई थी। हम उस हवे को तस्लीम तो कर लें जिसको क्रश कर दिया गया था, जिसको खत्म शुद्ध कर दिया गया था, वो हवा आज बोर्ड के ऊपर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की सूरत में मौजूद है। अब बाकी लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम हुकूमत बनाएं, वो उनका हक है, लेकिन कम से कम फैक्ट्स को फैक्ट्स जरूर रहने दें। सो PMLN के लिए जो एक बहुत बड़ा हाई मॉरल ग्राउंड या एक सेलिंग उनकी USP थी कि हम नवाज शरीफ साहब को वापस लेकर आए हैं, हम ज़बरदस्त परफॉर्म करने जा रहे हैं, पंजाब में हमने मुकाबले से टेक्निकली नॉकआउट कर दिया है, यू हैव नॉट अचीव दैट, तो एटलीस्ट आप बैठ के सोचे तो सही कि हमारी पॉलिटिक्स में क्या गलती हो गई है, कहाँ पे हमसे मिस्टेक हुई है कि जो हमने प्रिडिक्ट किया था हम उसका 50% भी हासिल नहीं कर सके। आज हम उसी पीपल्स पार्टी को जिसको हम बुरा भला कहते रहे हैं दावत दे रहे हैं, आ जाए फिर हमारे साथ बैठ जाए, और बिल्कुल सही कहा कि वक्त थोड़ा सा तो ग्रेस पीरियड दे देते। सिर्फ एक फिक्र है, सिर्फ एक, जुनेद सलीम साहब और मैं तकरीबन 5 हफ्ते पहले इसी बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर में एक दोस्त के पास बैठे हुए थे, फर्स्ट फ्लोर में इसी बिल्डिंग में, और उस मीटिंग में मैंने जुनेद सलीम साहब की मौजूदगी में अपने उस दोस्त से ये कहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब को ये मैसेज दिया गया है कि तमाम तर मदद के बावजूद आप 70 से ऊपर नहीं जा रहे। जुनेद साहब ऐसी बात हुई थी, मैं आपको 5 हफ्ते पहले की बात बता रहा हूँ। तो ये जो मैं सिर्फ, मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि ये जो हम आज रिजल्ट देख रहे हैं उनको पता था, ये कोई चंबे वाली बात नहीं तो है। लेकिन इमरान साहब एक पॉलिटिकल पार्टी ये सोचेगी तो सही कि हम इतने अनपॉपुलर क्यों हैं, अगर PDM-1 की वजह से हैं तो हम फिर भी PDM-2 बनाने जा रहे हैं। अलमिया ये है, अलमिया ये है कि यहाँ पाकिस्तान में इख्तदार के लिए सियासत हो रही है। ये फिर आप कैसे कह रही है कि वो पार्टी जो है वो अनपॉपुलर PDM की वजह से, वो तो ये कहते हैं ना कि हम इसलिए अनपॉपुलर हो गए, महंगाई मार गई हमको, घट्टे मिल के तो ये नहीं कह रही ना कि हम PDM की वजह से अनपॉपुलर थे, ये तो पीपल्स पार्टी पीछा छोड़ा रही थी ना आखिर में जाके। तो नून लीग क्यों उनकी वजह से कह, नहीं नून लीग तो अपनी खैर वो छोड़े पर है। हाँ मतलब देखिए मैं कल भी इस बात का अपने ख्यालात का इजहार कर चुका हूँ जो मेरे टूटे फूटे हैं कि देखिए उसके पीछे तो एक शख्स की मोहब्बत ज़्यादा थी, नफरत भी शामिल थी, तो दोनों ने जमा होकर जो मोहब्बत और नफरत बहुत कम, मैंने कहा था कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा बहुत कम हुआ है। भुट्टो साहब से देख लें, भुट्टो साहब के मुकाबले पे उस वक्त जो थे हालांकि सेंट्रल फिगर थी लेकिन भुट्टो साहब की मोहब्बत बेतहाशा थी, भुट्टो साहब की नफरत उजागर करने की बहुत कोशिश की गई, उसमें वो बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हुई थी पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद, ठीक है। उसके बाद जितने लीडर भी आए, जितने इलेक्शंस भी आए, वो एक शख्स की मोहब्बत को बहुत ऊपर ले गए, मुकाबले पे नफरत नहीं थी। कभी
किसी एक फिनोमेना को नफरत की अलामत बनाया गया, मुकाबले में मोहब्बत नहीं थी। इस इलेक्शन की खास और यूनिक फीचर यह था कि यहां पे एक शख्स के साथ मोहब्बत बेताशा थी और दूसरी तरफ नून लीग के साथ जो बेजारी थी वो अपनी इंतहा पे थी। ठीक, इसमें तो कोई दो इंतहाओं की वजह से ये सिचुएशन थी, राइट। फैसल चौधरी साहब ने भी मीनवाइल हमें ज्वाइन कर लिया, सीनियर एडवोकेट और हमारे साथ हैं। जी फैसल चौधरी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का, लेकिन मैं आपकी तरफ आती हूँ। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब इस पॉइंट पे कुछ ऐड अप करना चाह रहे हैं, मैं उनका जरा कमेंट ले लूं। जी डॉक्टर साहब, बस मैं थोड़ी सी गुफ्तगू जरा आगे बढ़ाने के लिए मैं बात करना चाह रहा था। देखें, आज रात को मुलाकात हो रही है जरदारी साहब की शहबाज शरीफ साहब से, ठीक है, और फिर शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात के बाद आज लेट नाइट जरदारी साहब की या अर्ली मॉर्निंग इस्लामाबाद वापसी हो रही है, ठीक है, और इस्लामाबाद में जरदारी साहब का फिर ये पीपल्स पार्टी के जराए का कहना यह है कि कुछ आजाद अराकीन जो है इस्लामाबाद में मौजूद है जिनसे जरदारी साहब बात करेंगे और उनसे ये उनसे कहा जाएगा कि आप आ जाएं हमारे साथ आजाद अराकीन से। अच्छा, जो पीपल्स पार्टी के साहब हैं जो यहाँ अरेंज कर रहे हैं सारा, क्योंकि जाहिर है कल मुलाकात इस्लामाबाद में है, ये जेहन में रखेंगे जरदारी साहब रात को मुलाकात करके वापस आ जाएंगे सुबह। अच्छा, मैंने सिर्फ उनसे ये पूछा और मैं चाहता हूं इस पर गुफ्तगू आगे बढ़े कि अभी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान सीटें बहुत ज्यादा वाइड ओपन नहीं, मतलब बहुत दूर नहीं है, मतलब एक अगर 64 पे है या 70 पे है या 65 पे है तो दूसरा 50 पे है। मैंने उनसे जब ये पूछा, मैंने कहा दो बातें मुझे बताएं, एक तो यह है कि जरदारी साहब को आप क्या ऑफर करेंगे, भाई नवाज शरीफ साहब जरदारी साहब को ऑफर क्या करेंगे, वजारतें, सदारत, और जो लोग आजाद आएंगे उन्हें क्या ऑफर करेंगे, पहली तो ये बात बता दें, क्योंकि जरदारी साहब जो हैं वो अगर आजाद तोड़ रहे हैं तो वो आपके लिए क्यों तोड़ेंगे, वो अपने लिए क्यों नहीं तोड़ के हुकूमत बना लेंगे अपनी। अच्छा, यहां पे एक सन्नाटा छा गया, वो कहते हैं जी असल में जरदारी साहब ज्यादा अच्छी बात कर सकते हैं, शहबाज शरीफ साहब उस तरह बात नहीं कर सकते आजाद अराकीन से। तो ये अभी तक की अपडेट मैंने आपको बताई है कि शामिल हो या पीएमएल, सबको यानी मिला के ही चलना पड़ेगा इसमें, यानी क्वेश्चन ये होगा कि फिर बिलावल को वजीर आजम बनाया जाएगा या फिर शहबाज शरीफ को, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है इसमें। माने खेज ये है जो डॉक्टर साहब ने कहा है कि आजाद से जरदारी साहब बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे। फैसल चौधरी साहब, बड़े अलग से और बड़े यूनिक से रिजल्ट्स तो आ रहे हैं, जैसे जैसे भी आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं और कुछ अजीबोगरीब भी चमत्कार वाले भी आ रहे हैं, लेकिन आप पहले तो ओवरऑल कैसे देख रहे हैं सर ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, और उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब आके स्पीच देते हैं कि जी हम मिल के सब हुकूमत बनाने जा रहे हैं, तो ये सही है, ठीक है, सही हो रहा है, मैंडेट वोट को इज्जत मिल रही है या कोई बाकी रह गई है और देनी है या अभी और देनी है? देखिए, ये इलेक्शन जो है समीना, हम सब जानते हैं कि ये कॉन्ट्रोवर्सल तो हो चुका है, बाकी जो इसकी कॉन्ट्रोवर्सी में अगर किसी को शक था, जिस तरह से डिलेड रिजल्ट आए हैं, जिस तरह से इंटरनेट बंद की गई है, जिस तरह से सर्विस जो है वो उसको उसमें मुदाखलत की गई है, और रात को जो 50,000 की लीड से जीतने वाले सुबह जो है वो हारे हैं, तो इस इलेक्शन की जो गैर जानबदारी के ऊपर तो शकूक व शबात जो है उन पर मोहर साबित हो चुकी है।